भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कड़ी से कड़ी यातनाएं देने के लिए अंग्रेजों ने हर कदम उठाया था। इसी कड़ी में विद्रोही लोगों को सामान्य जनमानस से दूर रखने के लिए एक ऐसी जेल बनाई थी जो कि पूरे भारत से हटकर हो। इसी जेल का नाम है सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इस जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में 1857 के विद्रोह के बाद आया था, अर्थात इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इस सेल्यूलर जेल में भेजा जाता था उसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता था कि उसे काला पानी की सजा हुई है। इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जेल भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिस जगह पर यह जेल बनी हुई थी उसके चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता था क्योंकि यह पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। सेल्यूलर जेल में 3 मंजिल वाली 7 शाखाएं बनाई गई थी। इनमें 696 सेल तैयार की गई थी। हर सेल का साइज 4.5 मीटर बाई 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थी, अर्थात अगर कोई कैदी जेल से बाहर निकलना चाहे तो आसानी से निकल सकता था, लेकिन चारों ओर पानी भरा होने के कारण कहीं भाग नहीं सकता था। इस सेल्यूलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गई थी जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। जेल की 7 शाखाओं के बीच में एक टॉवर है। इस टॉवर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। टॉवर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। सेल्यूलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। शेष बची 3 शाखाओं और मुख्य टॉवर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। सन 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था। वर्तमान में यहाँ 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। 1 मार्च 2006 को सेल्यूलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था जिसमें यहाँ पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसी तरह हम कुछ खास वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सब्सक्राइब और शेयर भी करो।